जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है टाइप वाइज मैथ का देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हो चाहे आप एसएससी जीडी देने वाले हो, पहले इन बेसिक चीजों को आप अगर इस वीडियो को देखेंगे और फिर जाके अपना एग्जाम का उत्तर प्रदेश पुलिस के क्वेश्चन देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन जो है आपके इसी पे आधारित होंगे। ठीक है, तो इनको जानना बहुत ही जरूरी है, इन कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है आप अगर मतलब पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, सीरियसली होके देखिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दे दूंगा, और जो क्वेश्चन आपको आता है आप स्किप करके देखिएगा, वीडियो दोगुना स्पीड में देखिएगा। जितना कम समय में आप इस वीडियो को समझ जाएंगे आप उस तरीके से देख सकते हो। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा टारगेट है 5 से 6 दिन में पूरा मैं आपका कम से कम इतना मैथ करा दूं कि आप 15+ स्कोर करने लगे। ठीक है, 5 दिनों में मेरा टारगेट है। आज 2 तारीख है, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2 से 6 तारीख में मैं आपको इतना मैथ करा दूं कि आप 15+ उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में करने लगे। और जितना मैं कराऊंगा उसको आप अगर अच्छे से करते हैं तो निश्चित ही हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टाइप है प्रश्न को, हम प्रश्नों को टाइप वाइज करने वाले हैं। सबसे पहले जो है आपका प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। क्या? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसे होते हैं प्रतिशत कमी पर? जैसे मान लीजिए कह दिया सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा होता है, कमी की बात की होती है। देखिए, जैसे कह देगा किसी आयत की लंबाई 10% कम कर दी गई तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो तो आपको चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी होगी, या कह देगा चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया तो उसका खपत कितना कम करें कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, या मतलब पहले आपको क्या कहेगा कमी की गई है, फिर आपको क्या करना होगा कितना परसेंट वृद्धि की जाए, अधिक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जितने परसेंट कमी की जाती है ठीक है उसको लीजिए, 10% कमी की गई आपका, फिर क्या करना है नीचे 100 में से उतना माइनस कर दीजिए, 100 - 10 और गुणे आपका 100। तो इसको छोटा में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 यहीं पे 100 में से 10 घटा दीजिए 90 और गुणे आपका 100, 0 से 0 हमारा क्या आ जाएगा 100/9, आंसर क्या आ जाएगा 11.1/9%। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, सभी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। सेम आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। अब प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर प्रश्न, चलिए देखिए। जैसे यहाँ पे क्या कहता है, किसी मान लीजिए आयत की लंबाई आपने 10% बढ़ा दिया, किसी वृत्त का परिधि आपने 10% बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न रहते हैं, कुछ भी रहेगा, मतलब पहले आपका क्या होगा वृद्धि ही होगा, पहले क्या होगा वृद्धि होगा। जैसे यहाँ कह रहा है राम की आय से आम की आय से 20% अधिक है, यानी वृद्धि है। तो आप ज्ञात कीजिए कि राम की आय से आम से कितना परसेंट कम है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, 20/ नीचे में 100 में इसको जोड़ देते हैं, 120 × 100, 20 से कट करेंगे 6 बार, 100/6 को क्या लिखेंगे 50/3 या 16 / 2/3%, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। ये आपके लिए होमवर्क है। एक तो ये तो लगभग सेम क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया तो आप इसको 10% पे भी कर लेना, मान लो 10% खर्च बढ़े तब कितना आएगा, एक बार 15% बढ़ा के भी कर लेना, एक बार 30% भी बढ़ा के करना, तब देखना क्या आता है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अभी तक आपने देखा कि या तो आपका सिर्फ कमी हो रहा था या तो आपका सिर्फ वृद्धि हो रहा था, लेकिन इस टाइप के अब हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं कि
या तो कमी कमी हो सकता है या वृद्धि सिर्फ हो सकता है या कमी वृद्धि या वृद्धि कमी। तो चलिए, एक व्यक्ति की आय पहले कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो आपका इसको करना कैसे है, दोनों वृद्धि है तो देखो प्लस 10 प्लस 20 प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 10 गुणे 20 और बटे में 100, दो जीरो एक कट जाएंगे, 10 और 20 जोड़ोगे 30 आ जाएगा और ये प्लस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 32, इसका मतलब आपका 32% की वृद्धि होगी। चलो आपके लिए मैं देता हूं, आपको होमवर्क देता हूं, यहाँ पे मान लेना आपका कितना है 20% है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना है 15% है, कितना है 15% है, आपको बताना है कितना परसेंट बढ़ेगा, ये आपका होमवर्क है। एक बार मान लो 20% बढ़ा और एक बार 15% बढ़ा, सेम इसी पे सॉल्व करके आप वीडियो में हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट करना। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। दोनों जगह देखो क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है, तो -15 -5, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा प्लस 15 × 5 और बटे में 100, 5 से कट करेंगे 20 बार, 15/20, ये देखो -15 और -5 कितना हो जाएगा -20 और प्लस है 3/4 का वैल्यू क्या होता है, 3/4 का वैल्यू क्या होता है 0.75, ये कितना आ जाएगा -19.25, तो हमारा कितना हो जाएगा 19 सही 1/4% की कमी होगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 19.25 को क्या लिख सकते हो 19 सही 1/4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, कोई चीज पहले कितना घटाया गया 20% घटाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो आपको बताना है कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ऑप्शन है आपका 38%, 28%, 27% और फिर आपका 30%, आपको बताना है कितना कमी होगा, चार ऑप्शन है यहाँ पे। मोहन ने अपना व्यय पहले 20% घटाया और फिर 10% घटाया, ये आपके लिए होमवर्क। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, आपको बताना है। तो देखो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 20%, फिर आपका घट रहा है कितना 10%, तो प्लस 20 माइनस 10, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 20 × 10/100, 0000, प्लस 20 और माइनस 10 कितना होगा है? अब देखो प्लस 20 और माइनस 10 इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा और ये माइनस 2, हमारा प्लस 8 आ गया, यानी कि 8% का क्या हो जाएगा परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन कैसा होगा, वृद्धि होगा। चलो आपको मैं देता हूँ क्वेश्चन, आपको बताना है एक व्यक्ति की मजदूरी क्या होता है 10% बढ़ता है, क्या एक मिनट, 10% नहीं बढ़ता है 50% बढ़ता है, एक व्यक्ति का मजदूरी 50% बढ़ता है और 30% घटता है, तो आपको बताना है कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 7%, 5%, 10%, 15%, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले कितना बढ़ा 50% बढ़ा और कुछ दिनों बाद 30% घट गया, ये आपके लिए होमवर्क। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटा परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गया, इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखो क्या हुआ, 10% घटा यानी कि -10, 15% बढ़ा +15, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 10 × 15/100, 0 से 0 काट दीजिए, 15/10 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2,
यानी 1.5 इसको लिख सकते हो, माइनस 10 और प्लस 15, प्लस 5 और माइनस 1.5, प्लस 3.5, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। होमवर्क देता हूं इस पे, मान लीजिए किसी का आय क्या होता है 20% घटता है, कितना घटता है 20% घटता है, चलो 20% नहीं, थोड़ा और कठिन करता हूं क्वेश्चन को, पहले कितना घटता है आपका 25% घटता है, कितना घटता है 25% घटता है, ठीक है, और फिर क्या होता है आपका 10% बढ़ता है, बढ़ता कितना है 10%, तो आपको बताना है कितना परिवर्तन हुआ। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 17.5%, 22.5%, 12.5%, 7.5%, आपको बताना है कितना कमी होगा, क्या कितना कमी होगा आपको बताना है, ठीक है। पहले क्या होता है 25% घटता है, फिर 10% बढ़ता है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया सेम। देखो आप जब क्या करोगे, मेरे द्वारा ही बताए हुए सिर्फ प्रश्न को कर लोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में कराऊंगा 52 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन पे मैं कोशिश करूंगा लगभग आपको एक क्वेश्चन करा दूं, तो एक क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, और आपका रिपीट भी हो जाएगा। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया, इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, पहले 25% की वृद्धि, 15% की कमी, प्लस और माइनस, माइनस 25 × 15/100, 25 से कट करेंगे 4 बार, प्लस 25 और माइनस 15 कितना हो जाएगा प्लस 10, 15/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3/4 3.75, कितना हो जाएगा ये 6.25, 6.25, 6.25% को आप क्या लिख सकते हो 25/4 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 25/4 लिख सकते हो, ठीक है। चलो होमवर्क आपके लिए देता हूं, एक कारखाने के उत्पादन में मान लो 60% का वृद्धि हुआ, कितना हुआ 60% का वृद्धि हुआ, और आपका 20% का कमी हुआ, कमी कितना हुआ 20% का हुआ, आपको बताना है कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था आपका 25% का वृद्धि हुआ था, तो ये फिर वृद्धि हुआ था, देखो प्लस में आंसर आया तो वृद्धि हुआ था, वो लड़का टाइप किया है तो उस चीज को लिखा नहीं है, ठीक है, यही है कि लड़के काम मांग ले रहे हैं और काम सही से कर नहीं रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप काम मांग रहे हो तो काम पहले सीखना चाहिए ना भाई, मूड हमारा खराब कर देते हैं कि अब कुछ कह दो तो बुरा लग जाएगा भाई। यहाँ पे लिखना चाहिए ना ये चीज कमी है, ये चीज वृद्धि है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, पहले क्या हुआ है 60% वृद्धि और फिर 20% कमी, तो क्या होगा आपको बताना है, आप बस बताओ कितने परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, 18%, 22%, 25% और 28%, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही होगा जब हम इसको डाटा को बदल दिए। चलो, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, दोनों समय कितना ठगता है 10% और 5%, तो प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 × 5/100, तो कितना हो जाएगा 10 × 5 = 15, और ये कितना हो जाएगा 50/100 यानी 1/2, कितना हो जाएगा हमारा 15.5%, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो इस पे क्वेश्चन देता हूं, एक दुकानदार माल खरीदते समय 20% ठगता है और माल बेचते समय 15% ठगता है,
आपको बताना है कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, क्या कितना परसेंट जो है उसका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन देता हूं 35%, 38%, फिर आपका 32%, 40%, आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसे मान लो ये कोई आयत है, लंबाई 5% बढ़ा, चौड़ाई 10% बढ़ा, तो बस क्या करना है, 5% 10% प्लस 5 × 10/100, 5 और 10 जोड़ोगे 15, और ये 50/100 का 1/2, यानी हमारा कितना हो जाएगा 15 सही 1/2% या 15.5%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो इस पे एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, मान लो आयत की लंबाई में कितना हम वृद्धि कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, और आयत की चौड़ाई में कितना वृद्धि कर रहे हैं, 5% कर रहे हैं। ध्यान से देख लो, आयत की लंबाई में 20%, आयत की चौड़ाई में 5%, आपको बताना है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 24%, 25%, 26%, 27%, ये आपके लिए ऑप्शन है, ये क्या है आपके लिए ऑप्शन है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। 20% क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई क्या किया जा रहा है, 10% घटाया जा रहा है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 20 × 10/100 प्लस 20 और माइनस 10 + 10 और ये -2, क्या आ जाएगा हमारा +8, यानी कि 8% का जो है क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलो हम कह रहे हैं एक आयताकार खेत की लंबाई कितना बढ़ाया गया, 35% बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, 35% बढ़ाया गया, ठीक है, और चौड़ाई जो है आपका 20% घटाया गया, 20% घटाया गया, चौड़ाई क्या किया गया, 20% घटाया गया। आपको बताना है आयत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या बताना है आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, मतलब कितना वृद्धि होगा यही बताइए। चलिए +5% मतलब 5% वृद्धि होगा कि 6% होगा कि 7% होगा कि 8% होगा, ठीक है, आपको बताना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो जब आपको वर्ग दिया रहे और फिर क्या कर रहा है, उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा, +25 + 25 + 25 × 25/100, 25 से कट करोगे ये 4 बार, 25 और 25 50 + 25/4, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 से इसको कट करेंगे 6 बार, यानी 56 सही 1/4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 56 सही 1/4%, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब आपके लिए मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाया गया, एक वर्ग की भुजा 15% बढ़ाया गया, आपको सभी का आंसर बताना है, ठीक है, 10% पे भी सॉल्व करना, 15% पे भी सॉल्व करना, एक वर्ग की भुजा 5% बढ़ाया गया, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाया गया, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ाया गया, एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई गई, इन सभी पे आप सॉल्व करिएगा, हर एक परसेंटेज पर सॉल्व करिएगा ताकि एकदम आप परफेक्ट हो जाएं। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। 8% और 12% +8 + 12 प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस 8 गुणे
बारह बटे सौ, बारह और आठ जोड़ेंगे बीस हो जाएगा, छानबे बटे सौ को दशमलव नौ छह लिख सकते हो, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 20.96%, ऑप्शन ए। चलो इस पे क्वेश्चन दे देता हूं, किसी त्रिभुज का आधार मान लो आपका 10% बढ़ाया गया और ऊंचाई 15% बढ़ाया गया, आपको बताना है कितना आपका वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। चलिए ऑप्शन दे देता हूं, 23.5%, 25%, फिर 26.5% और 28%, आपको बताना है। ठीक है कि जब हम 10% और 15% रखेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% को वृद्धि की गई जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन। देखो पहले सिर्फ वृद्धि हो रहा था, अब वृद्धि भी हो रहा है कमी भी हो रहा है, तो कैसे करेंगे, प्लस 25 माइनस 10, प्लस और माइनस का माइनस, 25 गुणे 10 यानी 250 बटे 100, प्लस 25 और माइनस 10 कितना हो जाएगा प्लस 15, और ये माइनस 2.5 प्लस 12.5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखो वृत्त का जब आपका किसमें परिधि में व्यास में त्रिज्या में ठीक है ऐसे वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, देखिए प्लस 5 प्लस 5 प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 5 गुणे 5 बटे 100, 5 और 5 10, 25 बटे 100 का मतलब 1/4, हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 10 सही 1/4, क्या आ जाएगा 10 सही 1/4%। ठीक है चलो इस पे होमवर्क दे देता हूँ, मान लो 8% का वृद्धि किया गया, कितना 8% का, तो आपको बताना है, शॉर्टकट बता दूं क्या करो, जो ये दिया रहता है उस संख्या को दो बार जोड़ लो, जैसे 5 दिया है तो 5 और 5 10, उसके बाद 8 मान लो 5 पचे 25, 25 को 100 से भाग दे दो यानी 0.25, इसमें 10.25। अब इसी तरह बता दूं ये 8 और 8 16 और 8 8 64 क्या हो जाएगा 16.64, मान लो यही आपका 20% रहे, यही आपका 20% रहे, तो 20 और 20 40 और 20 का 20 में गुणा करेंगे 400, 400 में 100 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 4, तब हमारा क्या हो जाएगा 44%। चलो एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई तब उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप शेयर जरूर करिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर मतलब इस वीडियो को 4-5 हज़ार लोग देखते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और जल्दी जो है आप लोगों के लिए डीआई के प्रश्न मतलब मैथ में कोशिश करूंगा आपका 15 तो बन ही जाए। ठीक है क्योंकि इस तरीके से सॉल्व करोगे ना बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे मैं करता हूँ। ठीक है एग्जाम में बहुत समय है भाई, यूपीएसआई का पेपर मैं 1 घंटा 28 मिनट में कर दिया था, बहुत समय रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कहीं एडवांस से पढ़ लिया या कुछ कर लिया, इन्हीं सब तरीकों से जो है बहुत तेज कर लिया। कर एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई तो -15 -15 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 15 × 15/100 -15 -15 कितना हो जाएगा -30 प्लस 15 × 15 225/100 को क्या लिख सकते हैं 2.25, इसमें से हम करेंगे क्या आ जाएगा -27.75 यानी कि इतना परसेंट का कमी हो गया है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी। आपको बताना है एक वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या में किसमें त्रिज्या में कितना परसेंट की कमी हो गई, चलो 10% की कमी हो गई तब आपको बताना। ठीक है 10% की कमी हो गई तो क्षेत्रफल कितना परसेंट घट जाएगा बताना।
एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, +10 + +10 प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 10 × 10/100, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20, 20 और 1 जोड़ेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो यह गोला जो है थ्री डायमेंशनल है, गोला जो है थ्री डायमेंशनल है, लेकिन हमसे बस क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो तरीका वही रहेगा, +20 + +20 प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 20 × 20/100 इसको जोड़ेंगे 40 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 44%। आयतन पर आधारित प्रश्न क्या हो जाएगा अब हमारा, आयतन पर आधारित प्रश्न। चलिए एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हो गई? तो देखो जब हमारा किसकी बात करेगा, आयतन की बात करेगा, तो इसको थोड़ा तरीका बदल जाएगा, कैसे ध्यान देना, पहले हम 10 को ही लेंगे, कमी हो रहा है तो -10 - -10 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 10 × 10/100। पहला स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये चीज करना है, यहाँ पे दो स्टेप में होगा, तो -10 और -10 - -20 और प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी -19 आ गया। अच्छा अब आपका सेकेंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट आ जाता है, सेकेंड स्टेप 19 को ले लीजिए, -19 और फिर 10 को एक बार और ले लीजिए क्योंकि आयतन की बात हो रहा है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 19 × 10 190/100 को क्या लिखेंगे 1.9, -19 और -10 - 29 प्लस 1.9 क्या आ जाएगा, -27.1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी 27.1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। थोड़ा पानी पी लें, कितना 27 मिनट का ये वीडियो हो गया, ठीक है 20 क्वेश्चन हम लोग 27 मिनट में देख लिए हैं, तो अधिक से अधिक और 40 मिनट में लगभग हो ही जाएगा 30 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बेलन का आयतन। तो देखो त्रिज्या कितना है, त्रिज्या का यहाँ पे क्या है 2 घात है, तो त्रिज्या को 2 बार करो, यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपका +5 + +5 प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 5 × 5 यानी कि 25/100 को क्या लिख सकते हैं 0.25, अब तो शॉर्ट कट थोड़ा लिखिए, 5 और 5 = 10.25, ये तो पहला स्टेप। और अब आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में, अब ऊंचाई को भी ले लीजिए, इस 10% को भी ले लीजिए, यानी +10.25 + 10 + +10 + 10 और 10.25 में 10 का गुणा करेंगे 102.5/100। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हो, 100 से भाग दोगे तो 1.025 लिख सकते हो, और इसको क्या करोगे 20.25 लिख सकते हो जोड़ने पे, अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 20 और 1 = 21 आ जाएगा, 5 × 5 = 7 = 202 यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21.275%, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो घन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी हम सेम को ही लेंगे, तो देखो +10 + 10 +
दस गुणे दस बटे सौ करेंगे तो वैल्यू इसका एक आ जाएगा, बीस और प्लस एक इक्कीस। क्या यही आंसर हो जाएगा? नहीं भाई, अब फिर हम करेंगे इसको, फिर प्लस इक्कीस प्लस दस, प्लस इक्कीस का दस में गुणा करेंगे, दो सौ दस बटे सौ, जीरो से जीरो खत्म। इक्कीस और दस क्या हो जाएगा? इकतीस, और ए प्लस हमारा क्या हो जाएगा? दो दशमलव एक। इकतीस में दो दशमलव एक जोड़ेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसने गलत कर दिया है, यहाँ पे इसने गलत कर दिया है, हमारा कितना आ जाएगा? तैतीस दशमलव एक आएगा। आंसर इन्होंने गलत कर दिया है भाई, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? तैतीस दशमलव एक प्रतिशत। क्या? तैतीस दशमलव एक प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो, एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10% 20% 10% घटाई गई, हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? तो देखो कितना कितना घटाया गया, पहले इन दो को ले लो, पहले इन दो को ले लेंगे, माइनस दस माइनस बीस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, दस गुणे बीस बटे सौ, माइनस दस और माइनस बीस माइनस तीस, प्लस दस का गुणा बीस में कर जीरो से काट दो भाई, प्लस दो, क्या आ जाएगा? माइनस अट्ठाईस। अब इस माइनस अट्ठाईस को ले आके यहाँ फिर शुरुआत करो, सेकेंड स्टेप से, माइनस अट्ठाईस और ये आपका क्या है? दस। अब इसको ले लो, माइनस और माइनस का प्लस, अट्ठाईस गुणे दस, दो सौ अस्सी बटे सौ को क्या लिख सकते हैं? दो दशमलव आठ लिख सकते हैं। माइनस अट्ठाईस और माइनस दस माइनस अड़तीस प्लस दो दशमलव आठ, हमारा कितना आ जाएगा? माइनस पैंतीस दशमलव दो परसेंट। जब इसको हम जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? माइनस पैंतीस दशमलव दो परसेंट का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ये क्या होगा? कमी, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। चलो, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40%, क्वेश्चन ऐसे देगा घुमा के, देखो क्या कर रहा है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? तो देखो, इसको मैं एक ट्री मेथड से भी बता देता हूं और नॉर्मल मेथड से भी। तो ट्री मेथड से गोपाल का कुल मासिक आय मान लेते हैं कितना, 100%, 30% भोजन पर, 30% किस पे खर्च कर दिया? फूड पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 70%। अब क्या कह रहा है? शेष का 40% परिवहन पर, तो शेष हमारा यही बचा है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 28। 70 का 40% कितना हो जाएगा? 28। इसको किस पे खर्च करता है? परिवहन पे। 70 में से 28 चला गया, कितना बचा? 42। अब कह रहा है इसके बाद शेष का 50% बचाता है, मतलब इसका 50% बचाता है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? इसका 50% 21, यही 21 जो है आपका सेविंग है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितना बचाता है? यानी 100% का वैल्यू कितना है? 18,400, तो 21% का वैल्यू बताना है। तो देखो, 100% का वैल्यू क्या है? 18,400, तो 1% का वैल्यू क्या जाएगा? 184। हमें किसका चाहिए? 21% का वैल्यू चाहिए, तो 184 में 21 का गुणा करेंगे, 21 चौक 84 को 4, 8 बचा, 21 बटे 168 और 8 176 को 6, 17 बचा, 21 एक 21 10 31 7 38, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3864। ये तो हो गया आपका ट्री मेथड। अब दूसरा तरीका भाई कैसे कर सकते हो? देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है? उसका सेविंग दिया हुआ है कि आय दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर आय दिया हुआ है, तो जब आपको आय पता हो तो लिखो इसको 18,400।
अब उल्टा चलते जाओ, यानी ऊपर में क्या करो, 100 का गुणा, 100 का नहीं सॉरी, 18,400। पहला क्या कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है, यानी 70 बटे क्या करो, नीचे 100 करो, फिर क्या करो, ये तो से अब 40% क्या करो, परिवहन पे खर्च करता है, यानी 100 में से 40 घटा के नीचे 100। इसके बाद शेष का 50%, 100 में से 50 घटा के 50/100। अब देखो सॉल्व करते हैं, 00 से 00, 50 से कट करेंगे 2 बार, 10 दो जीरो कट जाएगा, 2 से कट करेंगे 3 बार, 184 का हमारा मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, 21 में आ जाएगा। यही तो हम मल्टीप्लाई किए थे तो हमारा आंसर आया था 3864। तो ए हो गया आपका दूसरा मेथड। चलिए, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं, नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। मान लो मकान का किराया नहीं देता तो उसके पास कितना बचता, 1,800 1,000 कितना बच जाता, 2,800। अब यहाँ पे क्या है, मासिक वेतन पूछ रहा है, यानी जब आपको मासिक वेतन पता हो, मतलब सेविंग पता हो और मासिक वेतन निकालना हो, तो पिछली बार का जस्ट अपोजिट करना है, यानी 2,800 गुणे, अब आपको 100 का गुणा करना है। पिछली बार आप क्या कर रहे थे, वेतन से सेविंग निकाल रहे थे, तो उस टाइप को लिख लेना, तब आप क्या कर रहे थे, वेतन से सेविंग, अब सेविंग से वेतन निकाल रहे हैं, तो गुणे 100, और ये 100 - 30 70, गुणे 100, 100 में से 50 गया 50, इसी को सॉल्व कर दीजिए। 00 00 से कट गया, 7 से कट करेंगे 400, 5 से कट करेंगे 80, 80 का गुणा 100 में होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8,000। क्या आंसर आ जाएगा, 8,000। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1,019 रुपये बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बचत से निकाल रहे हैं 1,919, 5% 100 - 100/95, 100 में से 5 घटा दिए, 20% बचत बैंक में, 100 - 100 में से 20 घटाएंगे 80। अब कट करते हैं इसको, देखो 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 4 से कट करेंगे 25 बार, 5 से इसको कट करेंगे 19 बार, 19 से इसको कट करेंगे 101, 101 का 25 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2,525। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर, यदि वह 3,600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो 3,600 गुणे 100 बटे 20% मकान के किराए पे, 100 - 20 70% घरेलू खर्च पे, 100 - 70 यहाँ क्या आ जाएगा, 30। बस यही इसी को सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 0 से 0, 3 से कट करेंगे 1,200, 8 से कट करेंगे, 8 से कट जाएगा क्या, 150 बार, 150 का गुणा 100 में होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब हम चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे, कैसे प्रश्न देखेंगे, चुनाव पर आधारित, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आज नींद पूरा नहीं हुआ, 12 बजे लगभग सोया, पता नहीं क्यों 4 बजे नींद खुल गया, तो बहुत थोड़ा। अजीब टाइप का लग रहा है,
चलो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज है। तो देखो, इसको ट्री मेथड से पहले समझ लो। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, तो कुल मत कितना रहेगा, 100% रहेगा। दो उम्मीदवार थे, यहाँ पे कोई भी मत खराब हो नहीं रहा है। मान लो एडवांस क्वेश्चन देखा जाएगा तो वहां पे मत खराब भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मत खराब नहीं रहा। कह रहा है एक व्यक्ति को 65% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से 65 घटाओगे, दूसरे को मिल जाएगा 35%। अच्छा, 900 मतों से विजयी हुआ, तो यहाँ पे परसेंटेज में कितना ये अधिक पाया है, इससे कितना प्रतिशत अधिक पाया है? 30% अधिक पाया है। इस 30% का वैल्यू क्या है? 900। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 से कट करेंगे 30। हमें चाहिए 100% का वैल्यू, तो 100 का गुणा इधर भी कर दो, 100 का गुणा इधर भी कर दो 30 में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3000। क्या आंसर आ जाएगा? 3000। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान लिया? तो कुल वोट कितना? मैंने क्या बताया? 100%। ट्री मेथड से यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 45%। तीसरे स्थान वाले को मिला कितना? 25%। अब देखो, 100% में से 45% इसको मिल गया, 25% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिल जाएगा? 45 और 25 जोड़ देंगे 70, यानी इसको मिलेगा 30%। अब कह रहा है जिसको 30% मिला है वह 4500 वोटों से हारा है, परसेंटेज में इनका अंतर कितना हो जाएगा? 15% का। इस 15% का वैल्यू कितना है आपका? 4500। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 300। कुल कितने मतदाता थे? 100% का वैल्यू पूछ रहा है, 100 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30000। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? तो देखो, बी को 48%, कुल कितना? 100%। ए को कितना मिला? 10%। बी को कितना मिला? 48%। तो बाकी जो बचा है सी को मिलेगा, तो 100 में से 48, 10, 58, 100 में से 58 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 42%। अब इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है? 6%। 6% का वैल्यू कितना है? 1200। 6% का वैल्यू कितना है? 1200। 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 से कट करेंगे 200। तो हमसे क्या पूछ रहा है? चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, यानी 100% का वैल्यू, 100 का गुणा इधर भी कर देंगे, 100 का गुणा इधर भी करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, चुनाव में कुल वोट कितना? 100%। 20% इनवैलिड हो गए, तो बचा कितना? 80% वैलिड हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार हैं? दो। रावत वैध मतों का 40%, वैध मत हमारे कितने हैं? 80%। इसका 40 निकालेंगे, इसका 40% निकालोगे तो इसका 40% कितना आ जाएगा? 32। 80 में से 32 घटा दोगे तो कितना ए पा जाएगा? 48। इसको मत लिखो, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन होगा। 80% का 40%, 32,
किसको मिला है? रावत, ये रावत हो गया और एक कौन हो गया? करीम हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो देखो 1600, यानी यहां जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है, परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 16% का। इस 16% का वैल्यू कितना है? 1600। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100। तो आपको 100% का ही तो वैल्यू बताना है, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो 100 का गुणा कर देंगे यहाँ भी और 100 का गुणा कर देंगे आपका यहाँ भी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10,000। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10,000। अब हम लोग मिश्रण पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे आपका देखेंगे क्वेश्चन दिया रहता होगा 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो 15 लीटर घोल में चीनी कितना है? 40%। तो 15 का 40% निकालेंगे, यानी 15 × 2/5 कर सकते हो आप, यानी हमारा चीनी कितना है? 6। अब कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो हमारा कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? पहले 15 लीटर था, 3 लीटर पानी आपने और मिला दिया, 18 लीटर हो जाएगा। अब हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा? 18 लीटर। और हमारा चीनी तो वही है 6, और गुड़े क्या कर देंगे? 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा चीनी हो गया, ये हमारा कुल मिश्रण हो गया, और ये गुड़े 100। 6 से कट करेंगे इसको 3 बार, हमारा कितना आ जाएगा? 100/3। आंसर क्या हो जाएगा? 33.3%। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता कि यह 20% होता? तो देखो एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, तो 40 का 25% कितना हो जाएगा? 10। ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल। और ये है वाटर, वाटर कितना है? 30। अब क्या कह रहा है, उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डालते, मान लो हम एक्स लीटर कम डालते, तब ये कितना होता? 20% होता, यानी 100 में से 20 भाग अगर एल्कोहल होता तो हमारा पानी कितना होता? 80। यही तो कह रहा है कि वो 20% होता और पानी 80% होता है। इसी को सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो? 1/4, 4 का गुणा यहाँ करेंगे, 40 − 4x = 30। 4x को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 30 को इधर लाएंगे, 40 − 30 = 10। 4 से कट करेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दो धातुओं के 25 आम मिश्रण में 25 ग्राम होगा, ये आम नहीं होगा, क्या होगा? 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितने कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए? तो देखो दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, तो 25 का 40% कितना हो जाएगा? 10। बाकी जो बचा दूसरा है। अब कह रहा है दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, यहां से आप कितना कम कर दो कि ये दोनों 50-50%, यानी 50/50, यानी दोनों बराबर हो जाएं। 10 = 15 − x, x इधर लाएंगे, 10 इधर ले जाएंगे, 15 − 10, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5 ग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब हम देखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न? जनसंख्या पे। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्या है? किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से, तो देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तो 110/100, 11/10, गुणे 11/10, गुणे 11/10, ये इसको काटेंगे, 3 जीरो, 100 × 11³ 1331, यानी क्या हो जाएगा? 1,33,100। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है,
तो दो सही 3/5 वर्षों बाद आबादी कितनी हो जाएगी? तो देखो 40,000 गुणे 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, और हमारा देखो ये पहले तो 2 वर्ष कंप्लीट है, लेकिन फिर 3/5 वर्ष है, इसमें 5 का गुणा करेंगे, यानी हमारा जो फिर दर क्या हो जाएगा, जो ये 3/5 वर्ष है इसके लिए दर 3% काम करेगा। कैसे काम करेगा? इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो पहले वर्ष दर 5% काम करेगा, यानी 100+5/100 क्या आ जाएगा? 21/20, 21/20 और 103/100 क्यों लिखेंगे? जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 3% के हिसाब से हो जाएगा। कैसे? इस तरह निकालते हैं, जो वर्ष कंप्लीट नहीं होता है, मान लो 3/5 वर्ष है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 5 कट गया, 3 बचा, तो 103/100। अब हम इसको काटने का प्रयास करेंगे, 000000, 2 से 2, 1 खत्म, 21 का 21 में गुणा करेंगे, 441, 103, 3 × 1=3, 3 × 4=12, 3 × 4=12=13, 000441, 3, 2, 4, 5, 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45,423, ऑप्शन दूसरा। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी, जब आपसे क्या पूछे, पहले की आबादी पूछे, तब आप क्या करोगे? देखो आप एक तरह से समझो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे हो, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? पहले क्या पूछ रहा है, 100 का मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या होगा, अगर ये वृद्धि है तो जोड़ दो 100 में 104, अगर घटाना मतलब कमी होता तो घटा के लिखते, गुणे 100/104, तो इसको कट करोगे 25, इसको कट करोगे 26, इसको कट करोगे 25, इसको 26, 26 से कट करोगे इसको 260 बार, 26 से कट करोगे इसको 10 बार, 25 का 25 में गुणा होगा 625, और ये 10 का गुणा होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6,250। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी, यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 500,000 थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना? जनसंख्या था 500,000, पहले वर्ष क्या है 5% घटा, यानी 95/100 को क्या लिखेंगे, 19/20, दूसरे वर्ष 8% बढ़ा, 104/100 को क्या लिखेंगे, 27/25, तीसरे वर्ष 10% घटा, 90/100 को क्या लिखेंगे, 9/10, 0 से 0 खत्म, इस 0 से इस 0 को खत्म करेंगे, 25 × 50 से 50 को खत्म करेंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, 19 × 171 कर लेते हैं, 171 के आगे 00×27, देखो इकाई अंक यहाँ भी 7 आ गया, यहाँ भी 7 आ गया, ठीक है, इस वजह से फंस जाएगा, गुणा करना पड़ेगा, 27 × 27 = 7, 2 बच जाएगा, 27 का 7 में गुणा करना है तो 27 × 81, 81 × 2 = 162, 162 में हम 27 जोड़ेंगे, 162 × 20 = 82, 7 = 89 के लगभग में, और कुछ बचा भी था, हाँ 2 बचा था, 91 आ जाएगा, ठीक है, और 19 बच गया, 27 × 19 = 46 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 461700, ऑप्शन ए। अगला देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं आपके, संख्या पर आधारित हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 1% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, एक संख्या का क्या 40%, मान लो x का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो ये खत्म कर दो, x/y = 5/4 आ जाएगा,
अब हमारा क्या कह रहा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या का x प्रतिशत है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या पहली संख्या, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना हो जाएगा, या गलत दिया हुआ है, ठीक है, पांच से कट करेंगे 20, हमारा आ जा रहा है 80% आ जा रहा है, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 80% आ रहा है, क्या आ रहा है 80%। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, किसी संख्या का 4/5 भाग, 4/5 का मतलब हो गया 80%, 4/5 का वैल्यू कितना होता है 80%, 65% से 60 अधिक है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 80% और 65% का डिफरेंस कितना है 60, इसका मतलब क्या हुआ 15% का वैल्यू कितना है 60, 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, हमें क्या कर रहा है संख्या बताइए, तो 100% का वैल्यू, तो 4 गुणे क्या कर देंगे 100, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 400। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा, तो देखो क्या कर रहा है, संख्या का 3/7 और 40% को आप क्या लिख सकते हो 2/5, तो आप ऐसा कोई संख्या लो जो 7 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए, हम मान लेते हैं 35x, ठीक है, तो 35x का 3/7 कितना हो जाएगा 3/7 इसका निकालेंगे तो 7 × 5 = 15x हो जाएगा, और इसका 2/5 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, यानी 15x और 14x का जो डिफरेंस है 12 है, x का वैल्यू क्या है 12, तो आपका पूछ रहा है संख्या का 60%, यानी संख्या हम पहले निकालेंगे 35 × 12, ये हमारा संख्या हो जाएगा 35x, हमें चाहिए 60%, यानी 3/5, 5 से कट करेंगे 7 बार, 12 का गुणा 7 में होगा 12×76 = 84, 84 का गुणा 3 में करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 252। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, यानी कोई संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, तो संख्या क्या हो जाएगा 14 × 12, हमें क्या कह रहा है संख्या का 150%, यानी 150% × 100 मतलब 3/2 बताना है, तो 2 से कट करेंगे 7 बार, 12×76 = 84, 84 × 3 = फिर 252, ऑप्शन बी। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, चलिए कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले लिख लो यहाँ पे 100, ठीक है 100 लिख लिया आपने, कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ 60% फेल कितना हुआ, 100 में से 60 घटा दो 40, 70% अंग्रेजी में, 100 में से 70 घटा दो, अब कितना प्रतिशत दोनों में उत्तीर्ण हुआ है 50, तो 100 में से इसको घटाओ 50 को और फिर यहां ले आके जोड़ दो, अब इससे क्या पता चल जाएगा हमारे कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये हमारा क्या है प्रतिशत जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, तो 100 में 50 जोड़ेंगे 150 और ये −40 − 30 − 70, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80%, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो पास वाले कितने हो जाएंगे 100, अब क्या करेंगे −40, यहाँ पे देखो दिया हुआ है फेल वाला दिया हुआ है, इसके पहले क्वेश्चन में ध्यान दो यहाँ पे पास दिया हुआ था, हर जगह देखो तीनों जगह पास दिया था, लेकिन वहां पे ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो 100 में से इसको घटाना नहीं पड़ेगा, आप अगर मान लो यही पास वाला रहता तो घटाते हैं हम, तो यहाँ डायरेक्ट 40 लिख दो, डायरेक्ट 25 लिख दो और यहाँ पे 20 कर दो,
सौ और बीस, 120 माइनस 40 और माइनस 25 65, 120 में से 65 घटाएंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, 55%। अब हिंदी की परीक्षा में दो प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 75, 100 में से इसको 75 घटा दो 25, 100 में से 55 घटा दो 35% फेल वाले हैं, इनको क्या करो यहां प्लस करो। अब 100 और 35 135 माइनस 45 और 25 जोड़ेंगे 70, ये कितना आ जाएगा 65%। लेकिन ये 65% जो है आपके उत्तीर्ण हैं, क्या हमें उत्तीर्ण निकालने हैं यहाँ पे, नहीं अनुत्तीर्ण निकालने हैं। तो अब एक स्टेप और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 100 में से 65 घटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35%। जब आपसे अनुत्तीर्ण बोलेगा तो यह वाला स्टेप बढ़ जाएगा, यही वाला स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी ए वाला स्टेप आपका सेम रहेगा। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो एक परीक्षा में एक लड़का कितना पाया, 40%, दूसरा 45%। अब क्या कर रहा है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, क्या 35 अंक और 60 अंक अधिक पाते हैं, यानी इसका मान लो पासिंग x है तो x प्लस 35 पाया, ए कितना पाया x प्लस 60 पाया। तो एक तरह से यह देखो आप, परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 5% का, नंबर में कितने का डिफरेंस है 25 का, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू, दोनों और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 500। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। राम कितना पाया, राम 30% अंक पाया और फेल हो गया, यानी x माइनस 30 है उसका, मान लो x हमारा पासिंग है, जबकि श्याम 25% पाया, एक कितना से फेल हो गया 80 अंकों से फेल हो गया, दोनों फेल हो रहे हैं, दोनों आपके फेल हो रहे हैं, परसेंटेज में डिफरेंस 5%, नंबर में डिफरेंस 80 में 30 घटा देंगे 50, 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। हमारा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक 100% का वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1000, क्या आंसर आ जाएगा 1000, ऑप्शन बी। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30%, सीता के प्राप्त अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं और गीता के प्राप्त अंक 24 कम है। देखो सीता 40% x प्लस 56, यानी पासिंग से आपका क्या है 56 अधिक है, गीता 30% इसके क्या है 24 कम है। अच्छा अब परसेंटेज में डिफरेंस 10, लेकिन अब जो है यहाँ पे देखो, जब इसको आप करोगे तो अब एक क्या है कम है एक अधिक है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 10% का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 और 4 5 2 7 1 8 80। हमसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक 10% का वैल्यू 80 है, तो 100% का यहाँ भी 10 का गुणा कर दो 100 हो जाएगा, यहाँ भी 10 का गुणा कर दो, हमारा परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा 800। तो आपको यही ध्यान देना है, जब एक अधिक रहेगा एक कम रहेगा तब घटाना नहीं, तब इन दोनों को आप जोड़ना। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है
और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक हैं। मोहन सोहन से 25% अंक प्राप्त करता है, 30 कम रहते हैं, ये मान लो 25%, इसके क्या रह गए, 30 कम रह गए। तो यहाँ पे देखो आप, परसेंटेज में डिफरेंस 10%, नंबर में डिफरेंस जब दोनों अलग अलग हैं, प्लस माइनस हैं तो जोड़ दीजिएगा 60, 10% का वैल्यू 60, हमसे क्या पूछ रहा है। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो परीक्षा का जो आपका है क्या है, एक्स है पासिंग मार्क, हम क्या करते हैं निकालते हैं, यानी इस 35% का वैल्यू इतना है, तो 10% का वैल्यू 60, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, तो हमें क्या 35% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35% का वैल्यू 210, 210 बराबर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 30, एक्स का वैल्यू हमें बताना है, 210 में से 30 घटा देंगे, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 180, क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा, यानी हमारा न्यूनतम पूर्णांक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। कुल मान लेते हैं 100%, 78% आपके क्या हुए पास हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे 22%, फेल कितने हो जाएंगे 22%। हम क्या करेंगे, अब हमें 22% का वैल्यू पता है 110, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 22 से भाग देंगे 5 बार, हमसे क्या पूछ रहा है 100% का वैल्यू, तो 100 का गुणा इधर भी कर देंगे, 100 का गुणा इधर भी कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 500। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70%, देखो यहाँ पे जब दोनों 70% पास हुई हैं, तो यहाँ भी 30% फेल होंगी, यहाँ भी 30%, भले ही इनका नंबर कुछ भी है लेकिन परसेंटेज तो दोनों का सेम ही है, तो हमारा फेल होने वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो देखो कुल कितने 100%, 12% क्या हुआ आपके अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने 100 में से 12 घटा देंगे 88%। अब क्या कह रहा है, इसका 75% सफल हुए, तो देखो इसका 75% यानी कि 3/4, तो 88 का हम क्या करेंगे 3/4 निकालेंगे, 4 से 22, 22 का 3 में गुणा करेंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा 66% सफल हुए, 22% असफल हुए, हमसे यही पूछ रहा है कितना परसेंट जो है सफल हुए। तो ये फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन था परसेंटेज का, इसके बाद हम लोग डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इसको कई बार सॉल्व करिएगा, इससे आपका बेसिक अच्छा होगा, जब बेसिक अच्छा होगा तभी आप टफ क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जय हिंद जय भारत।